बताओ ससुर, इतने इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही दादा, और ते हमारी गाड़ी अकेली कड़कती ठंड में खड़ी। अरे दादा, अरे दादा, क्या देख रहे हो बाहर? रज्जू, हम जो देख रहे कि इतनी इतनी कड़कड़ाती सारी ठंड पड़ रही है, और ते हमारी गाड़ी कड़कड़ाती ठंड में अकेली खड़ी। हमारी तो ठंड के मारे गुर्दा सूख रहे। गाड़ी के गुर्दा ना होते हैं, बे नहीं सुकड़े हैं। अब गाड़ी है तो बाहर ही रही है ना, अंदर बेडरूम में तो घुसा ही हो नहीं। ना, बेडरूम में ना घुसाएंगे रज्जू, लेकिन हम का सोच रहे, हम जो सोच रहे कि गाड़ी खिलाने एक बढ़िया सो ना कवर ले आए, चारो ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी और ना बरसात को दिक्कत है, सारे मौसम के प्रकोप से गाड़ी सुरक्षित। कैसी कही? हाँ, ले लियो कवर, न हम पे ध्यान दे लो, ये नोट है तुम्हें गाड़ी से ना बहे हैं, हमसे बहे हैं। सुनो, तुम्हारे लाने तो जो हम पहरी से कवर लेके रखे हैं। आ जा ठंड में रज्जो, रजाई के अंदर आने को अलग ही मजो है। एक सेकंड रुक जा, थोड़ी पास कर ले दादा। रज्जू, अब ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ, आप सही है। हमें भी गरम गरम लग रहा हूँ। अच्छा रज्जू सुनो, एक बात कहें। कहो। यार हम हमेशा हमेशा ऐसा सोचते हैं, हमें पूरे साल भर इंतजार रहता है कि सारो कब ऐसी कड़कती बिल्कुल ठंड आए। और हम अपनी रज्जू के साथ चिपक के सोए, लेकिन अब हमें इंतजार है कि सारो कब सवेर होए और हम अपनी गाड़ी धोएं। नहीं नहीं, मतलब गाड़ी कब धोएं, गाड़ी को चकाचक कर दें और अपनी रज्जू के साथ लॉन्ग ड्राइव में चलें। वो तो तुम अब भी चल सकते हो ना, ले चलो ना हमें लॉन्ग ड्राइव पे। ना ना, अबे नहीं, असल में रज्जू कहे कि अबे ले गई ना तो तनक अंधेरे में हमें सट्टू ना खाएगू, सन्नाटे में कहूं गाड़ी घुस गई सारी, हमने गाड़ी को ठोंक दो तो गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगो, फिर गाड़ी खराब हो जाएगी। सवेरे चलें हैं? हाँ ठीक है। सुनो, हाँ तुम्हें थैंक यू बोल ले, अपना सहेलियन के सामने ना हमारी नाक नहीं कटे, हम उस शान से अपनी गाड़ी में बैठ के जाइए और जोन दुकान के सामने सामान चाहिए है ना, सारे गाड़ी दुकान के सामने ही रोके, झट से सामान लिया, टंटना के गाड़ी में बैठ जाए, फिर देखियो। पगली पगली। अच्छा एक बात बता रज्जू, तुम यार थैंक यू ना बोलो, जो तो हमाओ कर्ज का नहीं, हमाओ मतलब यार हमाओ फर्ज है ना तुम्हारी खुशियों को ध्यान रखनो, गाड़ी में घुमानो, फरमाइशें पूरी करनो, हमाओ फर्ज है। हाओ हाओ, सुनो अगर तुमने दिनों में हाँ गाड़ी घिस दई तो? नहीं, दिन में कैसे घिस दई, कैसे तो अंधी है काम ने गाड़ी में चलाई, दिन में हमारा पूरा फोकस रज्जो सामने ट्रैफिक पे होगो, रोड पे होगो, पूरा ध्यान देंगे हम। अगर हमने तुम्हें ध्यान न देने दो तो? अच्छा कैसे ध्यान न देने दो, समझाओ तो ना।
अरे दूर खड़ी होना तनक भीग जाएगी। पापा अच्छे से साफ करना, कहीं दाग ना रह जाए। वैसे पापा आप गाड़ी बहुत अच्छी धो लेते हो। हाँ, दरोगा बनने से पहले गाड़ी है तो धोता था ये। कब करो फालतू की बातें, सारे हमने कब गाड़ी धोई। अबे हम बक नहीं रहे, तुम ही तो कह रहे हमको कि तुम दरोगा बनने से पहले जो है पुराना वाला कमिश्नर का नाम है चंदू, चंदू की गाड़ी धोते थे कि नहीं। यार आदमी है क्या पजामा, तेरे साथ बैठ के हम दो बूंद का टिका लेते हैं, दिल के सारे राज बताते हैं, तू भरे समाज में हमारी पोल पट्टी खोल रहा है। अबे पोल खोलने वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आके रहेगी दुनिया के, समझो कि नहीं। अरे कहाँ है बेनिया, तू कहाँ है, हमारे बच्चे के पीछे पड़ रहा है, अपना काम कर। चाची प्रणाम। जी सर। क्या बात है, आज जो है लौंडे पे जो है ज्यादा ही लाड़ प्यार आ रहा है, आए? काहे ना आए अपने बच्चे पे, हैं? जे हमारे लाने गाड़ी लेके आओ है। सुन रहे कहे का सुन रहे का सुन, तुम्हें से हमने कही थी कि तना गाड़ी हमें धोने सवेरे सवेरे, ठंडो पानी लेके दे के रख दो क्या अम्मा, हमें और शुरू से पसंद ना है, तना गरम गरम ना दे सकती थी पानी। अरे तो ठंडे पानी से कौन सा गाड़ी को सर्दी लग जाए। तो गाड़ी को सर्दी नहीं, हमें तो हाथ घुसेड़ने पड़ रहे बाल्टी में बार बार। ओ बापू तू इतना भी कमजोर ना से, वैसे भी तेने गाड़ी रोज ही धोनी है तो धो ना। हम जे कह रहे हैं कि हमें मार्केट जाने हैं, तो ना गाड़ी लेके जाइए ना इस साल को सामान लेने हैं। ना कौन मार्केट ना जाएगी। अरे ना ना मार्केट ना जाएगी। काहे ना जाएगी। अरे मार्केट में इतनी पतली गलियां हैं, गाड़ी चौड़ी है, तो भिंडी बिक रही हो, तो गुंजा बिक रही हो, तो लहसुन बिक रहा है, गाड़ी ठुक जाएगी, खरोच आ जाएगी गाड़ी में। और वैसे भी गाड़ी कौन को चलाने, हमें चलाने ना, तो हमें जाने हुए थाने, मार्केट ना जाएगी गाड़ी। अरे फादर इट इज ओके, इवन मी नोइंग हाउ टू ड्राइविंग सो मी कैन टेकिंग मदर टू द सब्जी मंडी। तूने कब सीख ली गाड़ी। On mobile, every night me playing. Son, ये video game पे टपर टपर करने से गाड़ी चलाने को ना सीख तो है, game अलग है, जब खुद चलाने पड़ती है तो कारे नजर आ जाती हैं। Father, please. Every night me driving at the speed of 200 km प्रति घंटा, so you're not telling me, me knowing very much good driving. हाँ, चुप कर, बकर बकर ज्यादा ज्ञान ना पेल। इतने गाड़ी है हमारी, समझ गए, बड़ी मेहनत से खरीदी है, गाड़ी में अम्मा खरोच आ जाएगी, जा कैसी बातें कर रही है। अब गाड़ी लिए तो कभी ना कभी तो ठुकेगी ना पापा। और वैसे पापा गाड़ी चलाने के लिए लाए हो, कौन सा घर में सजाने के लिए लाए हो। और ऐसे वैसे भी ना आज नए साल की पार्टी की बात, हम आइसक्रीम खाने जाएंगे गाड़ी लेके। ज्यादा टोपा लगा के ज्ञान ना पेल, चुपचाप अपना काम करो, तुम्हारा ज्यादा मुंह ना चलाओ नहीं तो मैं ठोक के धर देंगे। नई गाड़ी है, खरोच आ जाएगी, बामे स्क्रैच पड़ जाएगा। सारे 10 बार समझा रहे हैं कि गाड़ी से दूर रहो, सारू गाड़ी के सामने खेले को। सारे गाड़ी खेले खेले सारे। ना रहेगी गेंद और ना सारो खेल पाएगो। अबे बोनट में लगी सामने देख रहे हैं, अबे शीशा में लगती, शीशा टूट जा तो ये राक्षस है सारे, राक्षस पैदा करे जाओ औरत ने। वाह वाह खोदी पुत्र, बहुत बढ़िया, मतलब बाल फोड़ने के बाद समझ में तो आ गया होगा कि जो है बाल जो है लोहे की ना है, और तुमने जो मतलब लोहे की बॉल लगती तब ना जाके गाड़ी का शीशा फूटता। इतना कमजोर नहीं होता कार का शीशा है, मतलब बॉल फोड़ दियो तुम, काका बच्चे का एकदम मूड खराब कर दिए, डांट दी तक। ऐसो है गाड़ी हमारी, ये लौंडा हमारी ज्यादा ज्ञान ना पील, तू तो सारे ऐसे साइकिल देखी है जिंदगी में, सारे ऐसे ज्ञान दे रहे हो जैसे घर में 10-10 गाड़ियां साले ने रखी भाई है। अबे अब बुरा लग गया हमें, तो जा घर,
मतलब तुमसे ज्यादा जमीन है हमारी पापा मऊ में, समझे कि नहीं? खोपड़ी पे धर ले अपने। देख सीसा चटक गया, देख सीसा चटक गया। पापा आप अपनी गाड़ी को लेकर कुछ ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हो? बुरा नक्शा दिखा दिया गाड़ी का, मेरी फुटबॉल फाड़ दी। ज्यादा भैंपड़ो बजाओ, ये बाल्टी फेंक के मारेंगे सारे। हो रहे परेशान हो रही, गाड़ी टूट जाएगी तो क्या होगा? परेशान हो गए ना, मेहनत से कमाई है सारे, फ्री फंड में टपक के ना आई है, खून पसीना की कमाई की है, तब जाके गाड़ी घर में आई है। पहले सारे चिल्ला रहे थे गाड़ी नहीं है, दो पहिया में नाक कटती है, अब चार पहिया हो गए तो चिचिया रहे। और सुन लो कान खोल के एक बात, गाड़ी में अगर एक भी स्क्रैच एक भी खरोच आ गई ना तो हम सबकी खाल ऐसे यही यही सारे यही से खरोच खरोच के निकालेंगे। कान खोल के सुन लो, जाको कछु जादू ही लाड ना रो अपनी गाड़ी पे, कछु ज्यादा ही प्यार दिखाए रहे हैं, फालतू को डांट दो हमारे तिक को। तुम ऐसे पैदल जाओगी मार्केट, भिंडी टमाटर जो खरीदने हैं पैदल जाओ। हाँ जाइए, धल ले अपनी खोपड़ी में गाड़ी अपनी। हाँ, बोलिए फिर। चिरकेंगे घर में गाड़ी आई निंजा का करन लगे काव काव काव। और एक बार कर, और एक बार। पापा आए मामा बोल, अच्छा हुआ अरे दादा। अबे तू जो बता, तेरी शक्ल तो है बिल्कुल शेख चिल्ली जैसी, काय मरो जा रहे हो, इतना सेल्फी खींच रहे हो एंगल बदल बदल के। जैन साहब वो क्या है कि एक्चुअली मेरी बीवी को मेरी सेल्फी चाहिए, वो मुझे दुनिया का सबसे हैंडसम पति मानती है। तू सारे दुनिया को हैंडसम पति ना है, तू दुनिया को सबसे बड़ो हैंडपंप पति है। जब ऐसे पे हम बाद में चर्चा करेंगे, अबे काहे बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और फिर लोग तेरे पिटने को सबब पूछेंगे और जे भी पूछेंगे कि तू इतनो बड़ो कमीन हो काहे है। मैं चाय लेके आता हूं। प्लीज बताओ, घर में अच्छी खासी गाड़ी खड़ी है और जे उम्र में बूढ़ी माँ पैदल बाजार आ जा रही, हमारी टांगे तो गई। अम्मा तुम्हें लल्ला ने ना अत कर दी है, वो तो तुम सामने बैठी थी इसीलिए हमने कछु ना कहो। तो काहे ना कहो, कहना चाहिए तो। हाँ कछु बोल दो भी तुम्हें बुरा लग जाता है। ले फालतू बातें करती है ना तब बुरो लगता है, सही बात पे हमने आज तक ना टोको, मलाइका हमसे ना पकड़ा जा रहा थे पकड़ ले। अरे तो लगता है कि बाबू को इस बात की चिंता से कि गाड़ी के ना टायर ना घिस जाए सड़क पे चलते। अच्छा और ये तो जो हमारी एड़ियां घिस रही हैं उनका कहा? अम्मा हमारी तो घिस चुकी, तुम तो फिर कभू कभार निकलती हो, हमारी तो एड़ियां ही ना बची हैं। अब कछु दिन में घुटना घिस जाए या फिर बाके बाद हमारी जो टांगे भी टाइम बोल जाए तब समझ में आए इन्हें। अरे राजेश, अरे करिश्मा, क्या बात है आज फिर शॉपिंग? अरे हम आओ, 12 लोगन को परिवार है, रोज आना पड़तो है बाजार। हाँ हाँ चल, आज बहुत अच्छा है कि मलाइका को साथ ले आई, हमारा आने से काफी मदद हो गई। करिश्मा बेटा जरा घर तक छोड़ दे, रिक्शा ना मिल रहा हुआ है। पर मैंने तो सुना था कि जीजू ने नई कार ली है।
फिर तुम लोग पैदल क्यों चल रहे हो? अरे उन्हें ना थाना जाना पड़ो तो वो चले गए, और हमें तो चलाना आता है कार, तो कैसे आते? तो सीख ले ना। आओ आओ, सीख लेगी बेटा, तब तक हमें घर छोड़ दे। हैं अम्मा जी, मैं ना आज जरा झकरकट्टी की तरफ जा रही हूँ, और तुम्हारा घर तो उल्टी दिशा में पड़ेगा ना, तो आज नहीं कर पाऊंगी ड्रॉप। अरे बेटा गाड़ी हैगी है, और थोड़ा उल्टा घुमा लियो, उसमें कहाँ जाएगा है? घर छोड़ा बेटा। अम्मा जी आज आई एम रियली सॉरी, आज नहीं छोड़ पाऊंगी, मुझे ना थोड़ा जल्दी है, कहीं जाना है। आप अगली बार ड्रॉप कर दूंगी पक्का। अम्मा चलो उतर आओ गाड़ी से। आओ करिश्मा बेटा जी, उतर जाए। हाँ आज उतर जाइए प्लीज, मैं अगली बार पक्का ड्रॉप कर दूंगी आपको। ओके बाय। बाय बाय की चाची, ये कैसी फर्जी दोस्त आ गई? अब अम्मा का करे, जमाने ही खराब चल रहा है। मरने तो लगता है बापू अगर गाड़ी दे देते ना, इतनी बातें तो ना सुननी पड़ती कम से कम। बताओ हम गाड़ी में बैठ चुके थे, ना सबीटी ने हमें ऐसे उतार दो। गाड़ी तेरे भी पूछ के बैठना चाहिए था ना। चुप कर जाओ, उम्र में हम पूछ के बैठेंगे? अरे कीड़े पड़े हैं बाकी गाड़ी पे, पंचर हो जाएगी करिश्मा तेरी गाड़ी। अम्मा हाँ कौवा आगे देखो। पापा ने साफ मुंह पे मना कर दिया आइसक्रीम खाने के लिए रात में। उन्हें देखा नहीं मुझे कैसा डांटा उन्होंने, क्या इज्जत रहेगी मेरी सबके सामने। अबे ओ पिद्दू, इतू सा तो है तू, इज्जत कमाने को भी बहुत टाइम है थारे को। हाँ लेकिन दीदी आज 31 दिसंबर है गू, आज पार्टी के बाद आइसक्रीम ना होगी तो नए साल की शुरुआत कैसे होगी, प्रारंभ कैसे होगी? मुझे समझ में नहीं आता ये गाड़ी खरीदी है क्यों, सिर्फ आंगन में सजा के रखने के लिए? You're right, me agreeing you, Ritik. मतलब बेचारी कार इज सिटिंग डाउनसाइड एंड गेटिंग बोर्ड। बोर्ड? गाड़ी में फीलिंग्स है? Of course, Malaika, मतलब she also wanting to moving out na, and she was not supposed to born and sitting in the angan. दीदी आपकी कितनी उम्र? I am 18 year 8 month 30 days 5 minute 6 7 8. Wow, Kamla, we are very much impressed. Oh, cat. तो फिर आपको गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती? हाँ सही बात है, अगर आपको गाड़ी चलानी आती तो आप हमें रात में आइसक्रीम खाना ले जाती। यार कौन सी बड़ी बात हो गई, इससे पहले आइसक्रीम खाने नहीं गए क्या? गाड़ी कल आई से, ऑटो में जाएंगे हम, क्या बात हो गई? नहीं हम गाड़ी नहीं जाएंगे, गाड़ी का घास चराने के लिए रखी गई है। गाय का कर चुप चुप के ओहो किडो, जस्ट चिलिंग मैन, मी नोइंग वेरी वेल हाउ ड्राइविंग द गाड़ी। रियली कमलेश? ओके मी नोइंग ऑल द गियर ऑफ गाड़ी। फर्स्ट गियर वेरी स्लो, सेकंड गियर स्लो, थर्ड गियर मीडियम फास्ट, फोर्थ गियर फास्ट, फिफ्थ गियर वेरी फास्ट, एंड सिक्स्थ गियर वेरी 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 फास्ट। पहले तो हाथ छोड़, हाथ छोड़। रेसिंग कार ना सही हो, पांच गियर इस गाड़ी में खाली। या मी सो इट ऑलरेडी, शी इज वेरी जस्ट लाइक खटारा। भैया हमारी गाड़ी को खटारा मत बोलना। खटारा कौन को बोलूं? एक ही कर। रणबीर सिटिंग रिलैक्सिंग, ऋतिक खटारा बोलूं प्लीज, यू नॉट गेटिंग भावुक फालतू में। Kamlesh is right, it is khatara because it is, you know, third hand. Anyway, Kamlesh, you're taking us out for eating ice cream after our New Year party. Any shot? No suck, Kamlesh. Get! Chalo, achcha hai. Kisi kaam to aaya hai yo. Thank you.
ढकले ढकले हटो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी चाचा जी। हैप्पी न्यू ईयर। नाच बीटे चाचा जी थे ना हैंगे। हमें सब दिख रहा है चाची जी। हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला थप्पड़ है। आशीर्वाद है ये। चलिए चलिए मैं लाता हूँ आपके लिए। जल्दी।